लेट अस डिस्कस द प्रॉब्लम नंबर फाइव वी हैव टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी एंड द सर्किट इज गिवन टू अस तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से अप्रोच किया जाए देखते हैं देखिए ये क्वेश्चन है दिया हुआ इसको मैंने फिर से ड्रॉ कर लिया पॉइंट है ए इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स को देखिए आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये रेजिस्टेंस है नाइन ओम का मैंने बता दिया था आपको कि जब भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर कोई इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होगा तो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता अगर इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता तो इन दोनों पॉइंट्स का नाम भी अलग अलग होगा अगर इस पॉइंट का नाम ए है ये यहाँ पे दिया हुआ है इस पॉइंट का नाम है ए तो इस पॉइंट का नाम ए से अलग होगा इसको मैं मान लेता हूँ सी क्योंकि यहाँ पे बी दिया हुआ है इसलिए एक नया लेटर मैंने ले लिया ये सी है इस पॉइंट को और इसको देखिए आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो है ये इलेक्ट्रिकल एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता इसलिए इन दोनों पॉइंट्स का नाम एक नहीं हो सकता इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया डी देखिए ये पॉइंट है बी इसलिए ये वाला पॉइंट भी बी होगा क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट नहीं है इसलिए इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा इसलिए इन दोनों पॉइंट्स का नाम भी एक ही होगा इस पॉइंट को और इसको देखिए अगर ये बी है तो इसका नाम भी बी होगा अगर ये सी है तो ये भी सी होगा क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सर्किट को फिर से रिड्रॉ कर लीजिए फिर से दोबारा इसको ड्रा कर लीजिए देखिए ए और बी पॉइंट के बीच में ए और बी के एक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इसलिए ए और बी पॉइंट को मतलब यहाँ पे इसको एक एंड पे रखेंगे ए को और बी को दूसरे एंड पे रखेंगे और ये जो सी और डी पॉइंट है इसको आप बीच में रखिए कहीं पे यहां पे सी रख दिया मैंने यहां पे डी रख दिया देखिए ए और डी के बीच में यहां पे नाइन ओम है तो मैं बना देता हूं नाइन ओम सी और C और डी के बीच में नाइन ओम है इसको मैं बना देता हूं ये नाइन ओम हो गया बी और डी के बीच में थ्री ओम है इसको मैं बना देता हूं थ्री ओम सी और ए के बीच में नाइन ओम है इसको मैं बना देता हूं नाइन ओम और कुछ बचा ये वाला बच गया बी और सी के बीच में थ्री ओम है इसको मैं बना देता हूं थ्री ओम और हमें ए और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है देखिए अगर आप इस प्रॉब्लम को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज है बैलेंस्ड ब्रिज ये बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज कैसे पहचाना जाता है मैं आपको बता देता हूँ देखिए ये जो डायगनल एलिमेंट्स हैं डायगनल एलिमेंट का मतलब अगर मैं ये आर आर वन लेता हूँ ये है आर टू आर वन और आर टू दोनों डायगनल एलिमेंट हो गए ऐसे आप लाइन खींच दीजिए ये और ये डायगनल एलिमेंट है तो डायगनल एलिमेंट्स का आप मल्टीप्लीकेशन देख लीजिए दूसरे जो डायगनल एलिमेंट्स हैं ये है थ्री और नाइन अगर डायगनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दूसरे वाले डायगनल एलिमेंट्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो गया इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो गया तो ये ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो बैलेंस्ड ब्रिज के केस में C और पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है और ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करती इसलिए इसको हम डिलीट कर सकते हैं मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी मैं सर्किट को फिर से ड्रॉ कर लेता हूं मैंने अभी आपसे बात की कि ये ब्रिज एक बैलेंस्ड ब्रिज है क्योंकि जो डाइगनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेसन है नाइन और थ्री का मल्टीप्लीकेसन है वो दूसरे वाले डायगनल एलिमेंट्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है इसलिए जो बीच वाला रेजिस्टेंस है इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगी इसलिए इसको आप डिलीट कर सकते हैं इसको आप हटा दीजिए सर्किट को फिर से ड्रा कर लीजिए ये देखिए इसको मैंने हटा दिया इसको फिर से ड्रा कर लिया उसी सर्किट को ड्रा कर लिया ये सर्किट बन गया अगर आप ध्यान से देखें तो नाइन ओम और थ्री ओम ये दोनों सीरीज में हैं और ये नीचे वाले नाइन और थ्री ये दोनों सीरीज में हैं इसको मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ नौ और तीन हो गया बारह नौ और तीन हो गया बारह अब ये ये जो दोनों बारह हैं ट्वेल्व एंड ट्वेल्व ओम रजिस्टेंसेज आर इन पैरल कॉम्बिनेशन सो यू कैन गेट द एंड रजिस्टेंस दिस इज द इक्वेलेंट रजिस्टेंस 12 इन पैरल विथ 12 मैंने बता दिया आपको कि अगर दो रजिस्टेंसेस मान लेता हूं मैं ये R1 है ये R2 है अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो स्टूडेंट क्या करते हैं आर इक्वेलेंट इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर ये लंबा वाला फार्मूला लगाते हैं ऐसा नहीं करना है अगर केवल दो रेजिस्टेंस हो तो आर इक्लेंट आप इस तरह से लिखिए आर वन आर टू डि प्रोडक्ट डिवाइड बाई सम अगर दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं तो ये वाला फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है मैंने ये आपको बता दिया अगर केवल दो रजिस्टेंसेज हो तभी ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा आर वन आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू तो अगर 12 एंड 12 ओम पैरेलल में है तो प्रोडक्ट डिवाइड बाय इन दोनों का सम हो गया 24 कट गया देखिए ये आ गया 6 ओम और ये हो गया 6 ओम आपका फाइनल आंसर हो गया और फिर से हम क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फाइव है इसका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी